shit hot. Oh, I'ma light the shit up. Yeah, I'ma make the shit hot. Oh, I'ma light the shit up. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोचिन में गेमर में। गाइस मैं आज खेलने जा रहा हूँ स्पाइडरमैन वाला मोड, वो भी मेरा सबसे पहला गेम प्ले है ये। बहुत देर लगा दी, बहुत सारा नेट खर्च करने के बाद ये मैप मैंने चालू कर दिया। और भैया ये सबसे पहले वाले मैच है, ये देखो अपने स्पाइडरमैन वाले भाई। स्पाइडरमैन के अलग अलग मोड, अब देखो इसके पैथ नोट्स प्रीव्यू तो आए हैं नहीं, वरना BGM वाले वीडियो डालते हैं। मैंने तो वीडियो YouTube सर्च किया, मुझे तो वीडियो फ़िलहाल तो नहीं दिखी थी सुबह। आप क्या कहते हो, इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए? शायद बना देते हैं वीडियो। देखो ज़्यादातर बंदों को इसके बारे में पता ही नहीं है क्योंकि पैच नोट्स वाले वीडियो आई ही नहीं है। तो देखो मेरे टीममेट देखो पोचिंग के जा रहे हैं, जाना चाहते थे। मुझे लगा कि भाई इनको पता होगा कि मिल्टा पावर पर स्पाइडरमैन वाली पावर मिल जाती है। अब देखो आपको अगर नॉर्मली खेलना है नॉर्मली तो आप यहाँ हॉट ड्रॉप पे उतर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्पाइडरमैन बनके खेलना है तो भाई पहले तो मिल्टा पावर पर ही जाऊँ। मेरे टीममेट उधर निकलते हैं और भैया एक नंबर को इसके बारे में पता नहीं था, जब पता चलता है तो भैया उसको बहुत बुरा लगता है। वो उसको यहाँ मिल्टा पावर पर जाना होता है लेकिन वो कोचिंग की तरफ उतर जाता है। तो हम देखो मैं अभी दो चार महीनों तक शायद वीडियो नहीं डाल सकता अप्रैल महीने तक, क्योंकि भैया मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और नेट कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए शायद वीडियो देर से भी आ सकती है या फिर आ ही नहीं सकती, इसलिए ज़रा उसके लिए माफ़ी कर देना। तो मैं यहाँ पर नीचे उतर जाता हूँ, इधर रोबोट बंदों के पीछे, मैं बंदों के पीछे, ऐसा ये पकड़ा पकड़ी का खेल चल रहा था। और इधर इतने सारे ग्लिच हो रहे थे कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास डाउनलोड करने के लिए टाइम ही नहीं बचा था। और अगर मैं आधा डाउनलोड किया तो आधा आधा डाउनलोड करने का ये सजा होती है। देखो अच्छा वो इस टाइम पे कोई बंदा नहीं था, ये रोबोट था। ये रोबोट वैसे मेरे को इतनी ज़्यादा डैमेज तो नहीं देने वाला, लेकिन भैया मेरे पास अच्छी गन मिली नहीं थी। मैंने सोचा इस कट्टे से मारूंगा, लेकिन इसके पास इसकी तो हेल्थ बहुत ज़्यादा है। अब एक एक करके मेरे टीममेट्स जो है डाउन होना शुरू हो गए थे। जब मैं उतर रहा था तब एक डाउन, अब दूसरा डाउन, अब तीसरा नॉक पड़ा हुआ है, वो तीसरा भी कभी डाउन हो जाएगा। इधर एक बंदा क्या कर रहा था पता नहीं, किसका इंतज़ार कर रहा था भाई, लगता है ये मियाँ की फ़ाइट देख रहा था। अब सोच रहे होंगे कि फ़ाइट कहाँ पर है, शायद मुझे लगता है कि फ़ाइट तो चल रही है लेकिन मेरे डिवाइस में आधे अधूरे रिसोर्सेज पैक होने की वजह से मुझे वो दिख नहीं रहे। स्पाइडरमैन ये जो पहले मिरर वर्ल्ड मोड था उसमें भी कुछ ऐसा ही था। आप अगर मेरी वीडियो कोई देखोगे मिरर वर्ल्ड मोड की, तो उसमें आपको प्लेन के ऊपर जिंक्स इज हियर पहले लिख के आता था आप जब खेलते थे तब, लेकिन मेरी वीडियो में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर सोच लगता है मेरी डिवाइस की कुछ गड़बड़ की वजह से मुझे वो फाइट देखने को मिली ही नहीं। कोई नहीं, मैं यहाँ पर स्पाइडरमैन वाले, मुझे लगा कि यहाँ पर कोई गन मिल जाएगी, लेकिन मेरे को यहाँ पर लेवल 3 का कवच मिल जाता है। मैंने सोचा इनको कट्टे से ही मारूंगा, लेकिन ये भैया मेरी हेल्थ बहुत कम कर देते हैं। एक नंबर मुझे स्पेक्टेट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ से भाग चलते हैं, यहाँ से पहले हेल्थ उठाएंगे और हेल्थ उठा के यहाँ से आगे जाएंगे। अब मैं आपको इसका नमूना दिखाता हूँ। यहाँ आपके जब यहाँ ग्रेनेड फेंकने का सेक्शन होता है, वाइपर होता है, आप इसको ऐसे फेंक सकते हैं, फेंक के जा सकते हो। ग्लिच वैसे होंगे नहीं, आपको पहले दिखा होगा ग्लिच, लेकिन इसका ग्लिच ऐसे होता नहीं है। सुना है ग्लोबल में बहुत ग्लिच होते थे, ग्लोबल में होते थे क्या ग्लिच पता नहीं। मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ लेकिन मेरे को यहाँ पर ज़्यादा कुछ लूट ज़्यादा क्या कुछ भी लूट नहीं मिलती है, एक हीलिंग भी नहीं पड़ी है। अच्छा हुआ आसपास कोई बंदा नहीं है, क्योंकि अगर बॉट भी होता ना तो भी मेरे को ख़त्म कर देता। कोई ना मारे इसलिए दूर से भाग के आ जाता हूँ। और मेरे टीममेट को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि भैया स्पाइडरमैन उसने कभी देखा ही नहीं। मैं यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी कर आता हूँ तो भैया ये वापस से HP लो कर देते हैं। यहाँ पर एक बंदा किसी से फाइट कर रहा था, अभी ये शायद बॉट से फाइट कर रहा था, बॉट इसको बंदा दिखा तो देखो कैसे क्या कर रहे। मैंने इसको नॉक किया, ये रोबोट मेरे को नॉक कर देगा, इसलिए भैया इसलिए मेरा टीममेट बोल रहा था कि जा उसको मार पहले उसको मार। तो मैं उसके ऊपर रश कर देता हूँ और उसको फिनिश भी कर देता हूँ।
अब उसको फिनिश करने के बाद मुझे M24 मिल जाती है, तो मैं M24 का क्या ही करूँगा, तो मैंने VSS की जगह AKM उठा ली। अब इसके पास और कोई गन तो थी नहीं, तो मैं इसके पास हीलिंग थी, तो मैंने हीलिंग से अपने आप को हील कर लिया। मैंने सोचा कि जो बच्ची कुचे डब्बे हैं उनको भी खोल के लूट डालूँगा, लेकिन भैया मेरे लूट करने तक किसी ने पहले से ही उस सारे के सारे डब्बे खोल डाले। स्क्वाड में आने में का बड़ा फ़ायदा होता है। मैंने सोचा कि यहाँ पर कौन है, कोई भी नहीं। मैंने यहाँ पर आसपास देखा लेकिन मुझे तो कोई बंदा नज़र ही नहीं आया। मैंने देखा कि यहाँ के सारे डब्बे तो खुले पड़े हैं, भैया इधर आसपास एक भी डब्बा इन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं। मैं यहाँ पर आके देखता हूँ, इसकी यहाँ पर किसी की पेटी पड़ी हुई थी और सामने से भैया फायरिंग चल रही थी। इसकी पेटी खाली, ये तो मेरी ही पेटी है जिसको मैंने नॉक किया था, फिनिश कर दिया था। तो यहाँ से साइड में एक बॉट आता है, तो उस बॉट को मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। इसकी इन्वेंट्री में UMP होती है और पीछे से कोई गाड़ी वाला बंदा भी घूम रहा होता है। मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, इनसे फाइट तो मैं कर नहीं सकता, अकेले इनसे फाइट करने जाऊँगा तो मेरे को धोड़ा लेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी पहली मैच ऐसी ख़राब हो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि पहले फुल बूस्ट करूँगा और यहाँ से भाग जाऊँगा। वैसे भागोड़ा बंदी करना ही पड़ता है भैया। जोन में भी इसका अच्छा सा फ़ायदा है, ये देखो जो डिस्टेंस में बहुत टाइम लगता है उसमें अरे भैया ये पीछे से कौन फायर कर रहा था भाई, जैसे आगे बढ़ता हूँ पीछे से भी फायरिंग चल रही है, ये देखो। तो मैं ऐसे स्पाइडर के वेब मारते उसको, अगर स्पाइडर मैन की पावर के बारे में पता नहीं होगा तो बोल रहा होगा कि ये हैकर है क्या भैया, ये हैकर है, हैकर हैकर चिल्लाता रहा होगा शायद। मैं ऐसे आगे सोचता हूँ कि क्या किया जाए क्या किया जाए, और मुझे कुछ हार्ट का भी कुछ ऑप्शन दिख रहा था, पता नहीं हार्ट का ऑप्शन क्या है। इससे आप पेड़ों के ऊपर भी चढ़ सकते हो, मुझे ऐसे इतना चढ़ने को तो आया नहीं। आप चाहो तो कोशिश कर सकते हो, आप कोशिश कर लो, किसी दिन फिर से कोशिश करेंगे ये मोड में ऊपर चढ़ने की, लेकिन मैं फिलहाल तो ऊपर नहीं चढ़ सका। ये मैं देखो मेरे को मैप में कुछ हरा हरा दिख रहा है, जैसे पेलो 2.2 में होते हैं ना, आपका अगर टीममेट मरने के बाद यहाँ पर एक बंदा आता है मुझे कुचलने के लिए, लेकिन मेरे हाथों ही मारा जाता है। अब मैं आगे जाता हूँ, आगे से एक बंदा या बॉट ही था, बॉट भाग के आ रहा होता है, तो मैं मेरा टीममेट बोलता है कि आगे से बंदा आ रहा है, मैं उसको ऊपर फायर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन AKM के ऊपर 3x लगा के मैंने जो बेवकूफ़ी वाले काम करता हूँ ना भैया, क्या बताऊँ। मैंने प्रॉन होकर कोशिश की, तो भैया क्राउच होकर कोशिश की, तो क्राउच होकर नॉक तो हो गया लेकिन मारा है उसको किसी और ने। अब M24 वाला बंदा था, मैंने सोचा इसकी पेटी लूट डालते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। टीममेट भी यही बोल रहा था कि भाग ले, अगर इसके सामने गया तो मार डालेंगे, ये देखो मैं भाग रहा हूँ तो मेरे पीछे पड़ा है एक गोली चलाते हुए। अच्छा हुआ उस वक्त मेरे को नहीं मारा भैया। मैंने सोचा कि ये हरा हरा इधर आसपास ही कुछ है, ये हरा हरा क्या भैया, पुदीने की चटनी बंटवा रहे हो क्या? ये सोच के भैया मैं इधर आ जाता हूँ। अब ये रही वो मशीन, अब इस मशीन से आप अपने टीममेट को जिंदा कर सकते हैं, देखो। अब आप देखोगे मेरा टीममेट जिंदा होकर वापस यहाँ पर आ रहा है। मुझे लगा पेलोड 2.2 की तरह इसमें कार्ड की ज़रूरत पड़ती होगी, पेलोड में होता था ना, अगर आपका टीममेट मर गया तो आपको उसके क्रेट से कार्ड उठाना पड़ता था, इसमें कार्ड के बगैर ये देखो मरा था पोचिंग में, आया यहाँ पर मिल्टा पावर के पास, वाह। तो हम यहाँ पर लूट करना स्टार्ट कर देते, मतलब मैं नहीं इसको लूट ले लेता हूँ क्योंकि ये तो मेरे पास तो कुछ ना कुछ है। यहाँ पर हम आ जाते हैं दूसरी जगह पर, यहाँ पर एक एयर ड्रॉप होता है, तो एयर ड्रॉप में इसी को लूट ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास तो यह L3 का कवच है ही, मेरे को क्या ज़रूरत है ये सब की। तो मैं देखता हूँ जो इसके काम का नहीं वो मैं उठा लूँगा, जैसे कि L1 का हेलमेट। मैं बोलते हैं AW तुम रख लो, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई मेरी इतनी अच्छी स्नाइपिंग है नहीं, उसके पास स्कोप नहीं था, तो मैं उसको 4x दे देता हूँ कि रख लो भैया 4x ले लो, 4x से भैया अच्छे से मार पाएगा ये। तो मैं आपको नमूना दिखाता हूँ, बस ये आपको स्पाइडर वेब लेना है, एम करना है और ये फायर, ये देखो स्पाइडर जाले वाला बटन दबाओगे तो सीधा किसी भी घर के ऊपर, ये देखो ऐसे ऐसे आप आराम से जा सकते हो, नीचे उतरने के लिए ऐसे मारो भैया।
अगर नीचे उतरने के लिए सीधा कूदोगे तो भैया डैमेज जरूर खाओगे। ऊपर चला गया क्या? टीममेट बोलता है कि कूद के दिखाओ भैया, तो मैं भी आ जाओ भाई दिखाता हूँ कूद के, बार बार आपको दिखाता हूँ। तो अगर पास में आके करोगे तो ये नहीं होगा, ये देखो नहीं होगा, आपको थोड़ा सा दूर जाके ये करना पड़ेगा, ये देखो इस तरह से। अगर ये चीज़ भैया अगर पोचिंग की वगैरह में होती है ना, पोचिंग की के आसपास ऐसे ही कहीं, जैसे कि आपको आसपास कहीं भी ऐसी गन मिलती है वैसे अगर मिलती है ना, तो वही पोचिंग के में भैया स्पाइडरमैन सिर्फ स्पाइडरमैन होते हैं। ये सिर्फ आपको 3 से 4 ही मिल जाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो हम यहाँ पर थोड़ी फार लूटा पार्टी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पर ये होता है, ये देखो कुछ पेन जहाँ पर होता है उसी जगह पर रखा होता है ये, इसको आप उठा कहीं पर भी इस्तेमाल कर लो। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब देखो ये एयर ड्रॉप का ग्लिच, पहले मेरे को स्पाइडरमैन की फाइट देखने को नहीं मिली, अब मेरे को एयर ड्रॉप भी नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा होगा कि एयर ड्रॉप क्या कर रहा है, इधर तो कुछ भी नहीं है। टीममेट बोल रहा था कि यहाँ पर एयर ड्रॉप है भाई, है यहाँ पर सच में एयर ड्रॉप है। ये देखो मेरी गाड़ी और किसी जगह पर नहीं, एयर ड्रॉप के ऊपर ही जाके अटक गई है। देखो कैसे झटके खा रही है, ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंग के ऊपर किसी ने जैक लगा दिया। मैंने रिवर्स किया तो रिवर्स में ही हो गई। अब ये किसके ग्लिच तो पता नहीं, वो ड्रॉप किसी ने पहले से ही लूटा हुआ था। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, टीममेट बोलते हैं कि यहाँ पर बग्गी है, यहाँ पर आसपास कोई बंदा छुपा हुआ होगा, जाके देख लो। तो हम देखते हैं, तो मैं देखता हूँ कोई भी नहीं है भाई मेरा टीममेट यहाँ पर आसपास। हम दोनों यहाँ पर आसपास चेक करते हैं कि भाई कहाँ पर है कहाँ पर है। तभी भैया पीछे से कोई आके हमला कर देता है। इस मोड में आपको बंदों के पास अच्छी खासी लूट देखने को मिल जाएगी। ये देखो लेवल 3 का कोच, हम यहाँ पर लूट रहे थे तभी एक बंदा आके हम फायर करने लग जाता है कि भैया ये देखो भाई इधर एक को मारो तो दूसरा आ जाता है। मेरा टीममेट यहाँ पर स्मोक कर देता है। मेरे दिमाग में ऐसे ये आता नहीं कि भैया अगर सामने से कोई हमला करे तो स्मोक करके रास्ता ही बदल लो। तो मेरा टीममेट दूसरे पत्थर की तरफ भी स्मोक करता है। मैं यहाँ पर हेल्थ लगाने के चक्कर में थोड़ा देर हो जाता हूँ, कुछ ज़्यादा ही आगे जाता हूँ तो ज़्यादा आगे जाने का मेरे को जुर्माना मिल जाता है और मेरा टीममेट उसको ख़त्म कर देता है। अच्छा हो जब मैंने उसको अनजाने में ही सही जिंदा कर डाला, वरना भैया मैं इनके हाथों ही में मर जाता है। ये जो बंदे थे ना उन्हीं के हाथों, कि हम इतने प्रो तो हैं नहीं, अनुभव से होता है भैया, अनुभव लेना पड़ता है और मेरे पास इतना अनुभव नहीं है। आपको देख रहा होगा इन्वेंटरी में गोल्डन कॉइन से, इससे आपको अगर आसपास कोई वेल्डिंग मशीन मिलती है तो वहाँ से सामान खरीद लो। इन्होंने शायद वही से सामान खरीदा है, इसलिए इन सभी के पास लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 3 का हेलमेट के आसपास ये ऐसे ही कहीं मिलता है क्या? आसपास ऐसे ही कहीं UMP 45 भी नहीं मिलती है, M4 भी नहीं मिलती है। सामने बंदे सोचते हैं कि भाई इनसे फाइट करेंगे, लेकिन मैंने गन चेंज की, उसका नतीजा मेरे टीममेट फोरेक्स ने दिया, उसको AWM दी, अच्छा किया, AWM से एक बजाया। मैंने सोचा कि सामने से जाऊंगा, मतलब लेट के ही प्रॉन होके जाऊंगा, लेकिन हम वहाँ से भाग जाते हैं, जोन भी आ रहा होता है, वो बंदे सामने वाले घर में जाके छुप जाते हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में कुछ 4-5 बंदे बैठे और यहाँ पर राइट में भी कुछ बंदों का लठ बजा हुआ था, आपस में लड़ रहे थे। अच्छा हुआ जो हम लेटे बड़े और किसी के हमारे ऊपर नज़र नहीं। और मैं भी देखो कहाँ ले घूम रहा हूँ, ये देखो
अच्छा हुआ आसपास कोई बंदा नहीं था, वरना उसको दिख जाता कि मैं कहाँ पर हूँ। ऐसी बेवकूफ़ी आप न करें जो मैं कर रहा था। तो मैं यहाँ पर पेड़ के पीछे आ जाता हूँ कवर लेके, सोचते ही मुंडी दिखाएंगे तो भैया मेरा टीममेट तो बजा नहीं है, मिनी का सिर फोड़ने के लिए तो तैयार ही बैठा है। मैंने सोचा कि आसपास अगर इधर कोई होगा तो उसको धोड़ा लूँगा, थोड़ा बहुत डैमेज तो दे ही सकता हूँ। मैंने सोचा कि स्पाइडरमैन बनके सीधा घर में घुस के मारेंगे, लेकिन नहीं भैया, ज़्यादा हीरोपंती करूँगा तो मरूँगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में जल्दी से जल्दी जो है वेपन चेंज नहीं होता। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि क्या पता यहाँ पर आसपास कोई बंदा हो, उसको यूँ डालूँ। तो यहाँ पर कोई बंदा किसी को नॉक कर रहा था, सामने वाले घर में बंदा, मेरे टीममेट ने उसको नॉक किया और मेरे पे सीधा खिड़की से फायर। अब ये जो घर के अंदर बैठा है इसका अभी देखो मैं क्या मिनट में क्या बैंड बजाऊँगा। और अपने टीममेट से बात किया करो भैया, टीममेट्स के साथ बातचीत नहीं करोगे तो जो इनका हाल हुआ वही पाओगे, अभी देखो क्या होगा। मैं आगे जाता हूँ, इसका निशाना देखो भैया कहाँ चल रहा हो भाई, सामने से बंदा आ रहा है और ये मार कहीं और जगा रहा है। ये देखो अब ये देखो ये सामने इधर कैंप करके बैठा है भाई, अपने टीममेट को बता सकता था ना कि यहाँ से बंदा आ रहा है तो उसको मार। ऐसा ही होता है, अगर आप अपने टीममेट के साथ बातचीत नहीं करोगे तो ज़रूर ऐसे ही मरोगे। निशाना कहाँ पर है, कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, वाह इसके पास पड़ी होती है MG3 लाइट गन। MG3 तो भैया क्लोज की गॉड गन है भैया, क्लोज की गॉड गन तो भैया MG3 लगती है मेरे को, MG3 या फिर M249। मैं MG3 उठा लेता हूँ, UMP को बाजू में कर लेता हूँ। टीममेट को पूछता हूँ कि भैया चाहिए कि नहीं, वो बोलते हैं रख लो भाई तुम तुम्हारे पास ही रख लो। इसकी बस यही प्रॉब्लम है कि इसको रीलोड करने में रीलोड करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि तीन बंदे बचे हुए हैं, तीन से चार बंदे जो आसपास के घर में छुप के बैठे हैं, ये लाल वाले घर में। यहाँ पर हम चेक करते हैं लाल वाले घर से फायर। मैं भैया ऐसे भागने लग जाता हूँ कि भाई भागो ऐसे भागो। मैंने सोचा यहाँ पर लेट के मारूँगा इनको ये मुझे मार ही नहीं पाएंगे, लेकिन मैं तो ज़मीन पर ही फायर कर रहा था। मैंने सोचा कि चलो भैया बहुत हो गया, घर के इधर से नहीं मार सकते लेकिन नीचे से ज़रूर मार सकता हूँ। तो मैं इधर आ जाता हूँ, देखता हूँ कि आसपास बाहर आ रहा है कि बाहर आएगा क्या। मैं मार करता हूँ कि यहाँ पर बंदे ज़रा संभाल के, वरना पैर पे बजा बजा के ये देखो मूली फेंक रहा है। भैया मूली कहाँ पे फेंक रहे हो, स्मोक फेंक देते, स्मोक से भैया यहाँ पर कम से कम आ जाते। तो मैं यहाँ पर इंतज़ार करता हूँ, एक बंदा नीचे आता है और ये देखो निकल यहाँ से, इसका टकला फूट गया। अब दूसरा बंदा रोटेट मार के इधर आ रहा है, दूसरा बंदा जो है रोटेट मार के आ रहा था, और तीसरा इनकी टीम का था ही नहीं। अब वो क्यों आखिर में पता चलेगा, इधर स्मोक कर रहे थे। मैंने सोचा कि इनको ग्रेनेड से फोड़ूंगा, लेकिन मेरा टीममेट ही उसका बैंड बजा देता है। मैंने ग्रेनेड किया, आसपास कोई बंदा होगा तो उसको डैमेज पहुंचेगा, लेकिन कुछ नहीं होता। मुझे लग रहा था कि ये एक ही बंदे हैं, एक ही स्क्वाड के होंगे। अब यह मेरा ध्यान सारा के सारा यही इसी घर की तरफ था, आसपास और कहीं मेरा ध्यान था ही नहीं। अब होता है कि मेरा टीममेट नीचे कूद जाता है और मेरे टीममेट को एक बंदा नॉक कर देता है और उसको फिनिश भी कर देता है। मैं गुस्से में आगे जाता हूँ, मेरे टीममेट को हाथ कैसे लगाया भाई, और उसको ख़त्म कर देता हूँ। अब आखिरी बंदा बचा था जो इनकी स्क्वाड का तो था ही नहीं, आपने देखा ये सीधा नॉक हुआ, सॉरी सीधा फिनिश हुआ, नॉक नहीं हुआ ये। अब बहुत ज़्यादा छोटा जोन बचा था। अब ऐसा परिस्थिति में सिर्फ एक बंदा हमारे बीच में बहुत सारे नेड़बाजी होने के बाद इसके सामने आया, तो इसने मेरा ये लठ बजा डाला। अब ऐसी परिस्थिति में अब क्या ही कर सकते हैं, नए बंदे तो यही करेंगे, न्यू प्लेयर्स। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।